नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो चाचा आचार्य भूषण कौशल। एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी बात करूंगा कि बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं, खासकर पति पत्नी, कि उनके घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। उस क्लेश को कैसे रोका जाए, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल पटती नहीं है, अनबन हो पति पत्नी के बीच बनी रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती है। दरअसल बात करो तो कहते हैं भाई मेरे घर में ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन दरअसल क्या है, ये घर घर की एक ही कहानी है। हर घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई होने शुरू हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है और बुध ग्रह नीच का होके मीन राशि में जा रहा है, राहु केतु घर बदल रहे हैं, केतु धनु राशि में जा रहा है, केतु और जो राहु मिथुन राशि में आ रहा है, तो ये ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और खासकर जो शनि पर केतु का ग्रहण लग रहा है 7 तारीख को, इसमें ज़्यादा क्लेश होगा। ध्यान देने वाली बात, इसलिए हम ये टॉपिक लेके आए हैं कि पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ जाएगा तो उसको कैसे काबू में किया जाए। होता क्या है, कभी पति जो होता है वो पत्नी की बात नहीं सुनती, कभी पत्नी पति की बात नहीं सुनती, दोनों के विचार अलग अलग हो जाते हैं। और अगर दोनों पढ़े लिखे हों तो अपने अपने विचार चलाने की कोशिश करते हैं, अपने अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्लेश हो जाता है। तो होता क्या है, कई बार घर में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो पति पत्नी के बीच लड़ाते हैं। कारण क्या होता है, सास ससुर वो भी पति पत्नी को लड़वा देते हैं, ननद भौजाई वो भी लड़वा देती हैं। तो क्या होता है कि वो जो सास ससुर होते हैं या ननद भौजाई होती है, वो अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं और उनकी बात जब नहीं सुनी जाती तो फूट डालने की कोशिश करते हैं, पति पत्नी के बीच लड़ाई लगवा देते हैं और मानने को तैयार नहीं होते। और अगर मान लीजिए पति बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हो तो वो अपनी माँ को, पहले पैसे माँ को देता था, अब अपनी पत्नी को देने लग गया, उसमें भी लड़ाई शुरू हो गई। अब क्या होता है कि बात तो वो सुनते नहीं तो आपस में होती है लड़ाई, क्योंकि वो जो है बात पहले पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी एक दूसरे की सुनते थे, लेकिन बीच में सास आ गई, सास सुनने नहीं देती, पति से बात करने नहीं देती बहू को, बहू कहती है तुम अपनी माँ के कहने पे क्यों चलते हो, मेरे कहने पे चलो, होती है लड़ाई। तो ये सब कारण बन जाता है झगड़े का। तो मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ ताकि ये जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है ये कैसे कम किया जाए। पहला उपाय नोट कीजिए, पहला उपाय ये है, अशोक का पेड़ होता है, अशोक का पौधा होता है जिसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं, जैसे नहीं बहुत लंबी वृक्ष होता है, लंबे लंबे पत्ते होते हैं, अक्सर गेट पे लोग अशोक के वृक्ष लगाते हैं अपने। अशोक के 7 पत्ते हनुमान मंदिर में रख करके आएंगे, अशोक के 7 पत्तों को ला करके उसकी पूजा करके घर में रखेंगे, और अगर पत्ते जब सूख जाएं तो उसे पीपल के पेड़ पे रख के आइए और नए पत्ते ले आइए। अशोक के पत्ते में हनुमान जी का वास होता है और वो क्लेश को कम कर देते हैं, तो घर में रखना चाहिए। दूसरा उपाय है, रात को जब हम सोते हैं, पति पत्नी जब रात को सोते हैं, तो एक लाल सिंदूर का पैकेट सिरहाने रख करके सोना चाहिए और अपने सिरहाने कपूर की टिकिया रखें, और सुबह जो है उस कपूर को जला करके उस अपने कमरे में रख जला दें, दिया जला दें उस कपूर से तो अच्छा रहेगा, और सिंदूर जो है दक्षिण पूर्व दिशा में गिरा दें। पति पत्नी रात को सोने से पहले गुलाब जल से मुंह हाथ धो करके तब सोएं तो अच्छा रहेगा, और हल्दी का तिलक लगाते रहें तो क्लेश कम होता है, ध्यान रखें। अब एक और उपाय है, बहुत अच्छा अचूक उपाय है, आप नोट कर लें, पति पत्नी के बीच झगड़े कम हो, लड़ाई कम हो, बुधवार को पति पत्नी 5 घंटे मौन व्रत धारण करें। बुधवार को दोनों को मौन व्रत धारण करना चाहिए, कुछ ना बोले 5 घंटे तक, बिल्कुल बात ना करें, और
छोटी इलायची खा करके बुध ग्रह को बलवान करके और मौन व्रत रखें। पति पत्नी शुक्रवार को कोई ना कोई परफ्यूम जरूर लगाए, पति पत्नी को पत्नी पति को गिफ्ट दे कोई परफ्यूम, खासकर गुलाब का परफ्यूम ज़्यादा अच्छा होता है, खरीद करके लाइए और लगाइए। शाम को जीवन साथी को पति पत्नी को क्लेश रोकने के एक दूसरा उपाय है बहुत अच्छा, वो उसको भी कर सकते हैं आप। अमावस्या के दिन गाय को चीनी रोटी खिलाएं, अमावस्या जिस दिन हो उस दिन गाय को चीनी रोटी खिलाएं, धूप अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में घुमाएं और सुगंधित धुआं घर में फैलाएं। कहते हैं गूगल की धूप हो, गूगल का हवन हो, जरूर घर में होना चाहिए। जिस घर में गूगल की धूप जलाई जाती है, हवन किया जाता है, उस घर में क्लेश ज़्यादा नहीं होता, कम हो जाता है, पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ जाता है, धार्मिक विचारधारा बढ़ जाती है, तो ये करना चाहिए। तो आपको इस तरह से अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, तो इन उपायों कर कर करके आप शांति ला सकते हैं। तो आप करिएगा और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, राम राम।